जो वक्त बीत गया वो अच्छा था, जो वक्त चल रहा है वो अच्छा है, जो वक्त आने वाला है वो बेहतरीन होगा। हेलो 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 एंड नमस्ते, मैं आपकी दोस्त आस्था, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सीक्रेट आस्था में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। कुछ टाइम पहले मैंने यूनिवर्स से एक साइन मांगा था जो कि बटरफ्लाई के रूप में आ रहा है। आप लोग को यहाँ सर्कल के अंदर एक ब्लैक बटरफ्लाई नज़र आ रही है जिसमें कि वाइट कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स हैं। तो अब मैं यहाँ आज के वीडियो में आप लोग बताऊंगी कि आप किस तरीके से बटरफ्लाई को एज अ साइन यूनिवर्स से मांग सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ईजी चीज़ है और ये बहुत आसानी से आपको अपने टेरेस में या फिर आंगन में या फिर कहीं पर भी अगर आप वॉक कर रहे हो तो वहाँ पर बटरफ्लाई दिख सकती हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जब अपन कोई साइन मांगते हैं तो उसमें बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसा साइन मांगना है, कहाँ पे मांगना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। इसलिए जब भी मैं यूनिवर्स से कोई साइन मांगती हूँ तो मुझे वो एक या दो दिन के अंदर साइन मिल ही जाता है। लेकिन उससे पहले इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेकिन वीडियो को ये जानने के लिए कि साइन किस तरीके से मांगना है, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स का साइन क्यों मांगा जाता है। यूनिवर्स का साइन अक्सर इसलिए मांगा जाता है जब आप लाइफ में किसी एक पाथ में चल रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं एक सही रास्ते पे हूँ या फिर क्या मैं सही चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मेरे कोई नेक्स्ट प्लान्स हैं जो मुझे प्लान्स करने हैं अपने फ्यूचर के लिए, जो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ, क्या वो मैनिफेस्ट होगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मेरी अलाइनमेंट सही है, क्या मैं जो अफर्मेशन कर रही हूँ, जो स्पिरिचुअल पाथ है वो सही है या नहीं, वो जानने के लिए अपन साइंस मांगते हैं। नेक्स्ट चीज़ है साइन कैसे मांगे। यहाँ आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आप बटरफ्लाई को किस तरीके से एज अ साइन के रूप में मांग सकते हो। तो आप बटरफ्लाई की जगह कोई भी चीज़ साइन के रूप में मांग सकते हो, जैसे कि फेदर मांग सकते हो, कोई स्पेसिफिक कार मांग सकते हो या फिर कोई भी चीज़ आप साइन के रूप में मांग सकते हो। लेकिन ये वीडियो में मैंने स्पेसिफिक बटरफ्लाई के ऊपर रखा है क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको बटरफ्लाई ज़्यादा पसंद है और डिमांड में भी यही था कि दी मुझे बटरफ्लाई साइन में मांगनी है तो मैं किस तरीके से मांगूँ। तो मेरे ही मानना है कि अगर आप बिगनर्स हो, अगर आपने अभी तक साइन नहीं मांगा है तो आप बटरफ्लाई को मांग सकते हो, बहुत इजीली ये यूनिवर्स आपको ये साइन दे देता है। बाकी साइंस के मुताबिक, साइंस बहुत सारे हैं, वो आगे किसी वीडियो में आपको समझाऊँगी। सबसे पहली चीज़, आपको किसी खुली जगह में चले जाना है, आपको टेरेस में चले जाना है, आपको आंगन में चले जाना है, या फिर अगर आप वॉक करने जाते हो तो आप वॉक करते टाइम साइन को मांग सकते हो और टेरेस में भी। सबसे पहली चीज़ आपको ये सोचना है कि आपको स्पेसिफिक क्या चाहिए है। दूसरी चीज़, आपको उस चीज़ के बारे में फोकस करना है कि डियर यूनिवर्स, क्या मैं सही पाथ पे हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मैं सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ, क्या मैं सही तरीके से मैनिफेस्टेशन के लिए काम कर रही हूँ, क्या मेरे एक्शन सही हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको यूनिवर्स से पूछनी है और बोलना है, डियर यूनिवर्स प्लीज़ शो मी द साइन, डियर यूनिवर्स प्लीज़ शो मी द साइन, डियर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे साइन दिखाएं, डियर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे साइन दिखाएं। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं, डियर यूनिवर्स प्लीज़ शो मी द बटरफ्लाई एज अ साइन, डियर यूनिवर्स प्लीज़ शो मी द बटरफ्लाई एज अ साइन। अब ये तो हो गया कि साइन किस तरीके से मांगना है, लेकिन इसमें भी कुछ डूज और डोंट हैं। वो क्या है? सबसे पहले आपको ये चीज़ डिसाइड कर लेनी है आपको क्या साइन मांगना है। दूसरी चीज़, अगर आपने साइन मांग लिया है तो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स का गैप रखना है। आपको ये बिल्कुल उम्मीद नहीं लगानी है कि आप टेरेस पे, अगर आपने साइन मांगा है तो 10 बार आप टेरेस में जा के देख रहे हो बटरफ्लाई, या आंगन में देख रहे हो, दिखी क्या बटरफ्लाई, आए क्या बटरफ्लाई, और यूनिवर्स मुझे साइन मांगे हुए एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, मुझे तो अभी तक साइन नहीं दिखा। जैसे कि मैंने कहा था कि साइन आपको तभी दिखते हैं जब आप एक अच्छे वाइब्रेशन में होते हो और आप उसे एक अच्छे प्योर इंटेंशन से यूनिवर्स से मांगते हो, आपको साइन दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिक ये भी कहा है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले कोशिश करो बटरफ्लाई को मैनिफेस्ट करने की एज अ साइन के रूप में। आपको कुछ नहीं बोलना है, सिंपल टेरेस या आंगन में जाके मन में बोलना है कि डियर यूनिवर्स प्लीज शो मी द साइन, बस दैट्स इट, इतना ही बोलना है। और फिर कुछ जैसे आपका डेली रूटीन है, अगर आप डेली टेरेस पे आ रहे हो, डेली वॉक पे जा रहे हो, तो आपको सडनली फिर
आपका मांगा हुआ साइन यानी कि आपकी मांगी हुई बटरफ्लाई दिख जाएगी। वो तब दिखेगी जब आप किस पूरी तरीके से अपने साइन मांगने की एनर्जी को लेट गो कर दोगे। आपको सिर्फ एक छोटी सी बटरफ्लाई मांगनी है, वो किसी भी कलर की हो सकती है, कैसी भी दिख सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, जैसी चाहो वैसी बटरफ्लाई आप मांग सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका होता है साइन मांगने का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पर्सनल सेशन 222 रुपीज़ में यानी कि 222 रुपीज़ में अवेलेबल है। सो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सी यू सून इन माई अनदर वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।